मैं फैंस के लिए कहना चाहूंगी, थैंक यू सो मच फॉर लविंग एंड सपोर्टिंग मी. आपके प्यार ने मुझे ये जिताया, आपने मुझे जिद्दी सना से, ये जिद्दी सना जो विनर बनी है वो बनाया है. सो थैंक यू सो मच. दिल से बिग बॉस के घर में ना इट्स मिक्स्ड इमोशंस. फर्स्ट के 2 वीक्स ना आपको सब अच्छा अच्छा लग रहा था, सब गुडी गुडी लग रहा था. स्लोली स्लोली जैसे जैसे गेम का पड़ाव बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे लोग बदलते जा रहे थे. जो आपके साथ बैठते थे वो आपकी बुराई कर रहे थे, जो आपको पसंद नहीं कर रहे थे वो आपकी और बुराई कर रहे थे. तो देयर केम अ पॉइंट वेयर आई वॉज लेफ्ट ऑल अलोन. एंड एक ऐसा पॉइंट आ गया कि घर में ग्रुप्स बन गए, 2 ग्रुप हो गया जिसमें हम 4 जन थे और बाकी सब एक तरफ. फिर वो एक मोमेंट आया जहाँ पे स्लोली स्लोली मेरे दोस्त कटने लग गए. तो कई हद तक ऐसा लगा कि यार मैं, क्योंकि ये जो दोस्त मैंने बनाए थे ना वो मुझे समझते थे, वो मुझे पैम्पर करते थे, मुझे हंसाते थे, यू नो, एक अच्छा लगता था उनके साथ बैठना, उठना, खाना पीना, लाइक यू नो, देन रेस्ट ऑफ द थिंग डिडंट मैटर बिकॉज ये आपके साथ थे, ये 4 लोग आपके साथ थे. बट जैसे जैसे वो निकलते गए वैसे वैसे बुरा लगता गया, घर और आपके अगेंस्ट हो गया. बट आई थिंक दैट विल पावर जो आपकी होती है ना, कि नॉट टू गिव अप, एंड आई थिंक आई वॉज वेरी फोकस्ड कि मैं यहाँ आई हूँ कुछ लेने के लिए, और मेरा फोकस बहुत स्ट्रेट था, और हाँ मुझे जीतना था और मैं जीत गई हूँ. दिल ये जिद्दी है. मेरी अच्छी बॉन्डिंग अगर मैं बोलूँ तो नेजी, विशाल, लवकेश, शिवानी. मेरे में कोई फर्क नहीं है, मैं ऐसी ही हूँ. मैं बाहरी दुनिया में भी ऐसी हूँ, मैं घर में भी ऐसी थी. जो मुझे समझ पाए उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, और जो मुझे नहीं समझ आए वो कभी मेरे पास भी नहीं आए. सो आई थिंक इतना ही बोलूंगी. मैं ये बोलना चाहूंगी कि गाइस थैंक यू, आप सबने मुझे प्यार, इतना प्यार दिया, मेरे पे विश्वास किया, एंड आई एम रियली 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 थैंकफुल. एंड तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी. ये ट्रॉफी मैंने नहीं, आप सब ने जीती है. सो थैंक यू. सना जीती, मैं जीता, एक ही बात, मेरी खास दोस्त है वो जीती तो मुझे खुशी हुई. उसका जीतना मेरे लिए एक फीलिंग था, प्राउड मोमेंट था, और मेरे से ज्यादा ट्रॉफी की उसको जरूरत थी. और मुझे लगता है मैंने लोगों का दिल जीता है, उसने ट्रॉफी जीती है, तो मैं प्राउड हूँ और हैप्पी हूँ. मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, कोई पछतावा नहीं है. मैंने जैसा खेला, लोगों ने मुझे प्यार दिया, मैं यहाँ तक पहुँचा, वो मेरे लिए बड़ी बात. अब्बू आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो प्राउड भी थे कि मैंने अच्छा किया सीजन में, मैंने लोगों को खाना पका के खिलाया, मैंने लोगों को प्यार दिया, तो मेरे अब्बू बहुत प्राउड थे. और जब वो आए तो मुझे भी बहुत इमोशनल फीलिंग आई, कि मैं भी बहुत महसूस कर रहा था कि उनके प्राइड को, और उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट किया और मेरे प्रोफेशन को एक्सेप्ट किया. तो वो मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो इस शो पर आए. मेरे फैंस के लिए ये कहना चाहूँगा कि डोंट बी सैड, डोंट बी हर्ट, अपन सब जीते हैं. तुम लोग ने मुझे प्यार दिया है, और बहुत प्यार दिया है, इतना प्यार काफ़ी है. मैं टॉप 2 तक आया है, बड़ी बात है हमारे लिए, हिप हॉप कम्युनिटी के लिए, और बम्बई 70 के लिए. तो सल्यूट पीपल, एंड आई लव यू ऑल. मैं यही कहूंगा, जिस पे बिग बॉस की दया दृष्टि, जिसको वोट ज्यादा मिली वो जीत गई, और दैट इज हाउ लाइफ इज. नहीं, इसके पहले भी मैंने रियलिटी शोज किए हैं, खतरों के खिलाड़ी किया है, पैसा भारी पड़ेगा किया है, झलक दिखला जा मैंने को होस्ट किया था. तो बीच बीच में मैं करता रहा हूँ रियलिटी शोज, बट ऐसा रियलिटी शो पहली बार किया है. बहुत इंटेंस है, मुश्किल है बहुत. 42 डेज परिवार के साथ टच में नहीं रहना, 15 अजनबियों के साथ एक घर में बंद रहना बाहरी दुनिया से, और उसके बाद जो मुश्किलें जो बिग बॉस हाउस में आती हैं, चाहे खाने पीने को लेकर हो, चाहे नींद को लेकर हो, सो काफ़ी मैं कहूँगा ट्राइंग और मुश्किल एक्सपीरियंस है. बट इसमें से कुछ सीख लेकर निकला हूँ मैं, कुछ बदलाव लेकर निकला हूँ, कुछ यादें लेकर निकला हूँ जो हमेशा मेरे साथ रहेंगी. सबसे अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ रही, इससे सबसे ज़्यादा झगड़ा हुआ? सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग मेरी अच्छी रही अरमान मलिक के साथ, और दीपक चौरसिया जी के साथ, कृतिका के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग रही मेरी. ज़्यादातर लोगों से मेरी बनी, बट कुछ 3-4 लोग थे जिनसे नहीं बनी,
वो थे सना मकबूल जो अब शो जीती हैं, लवकेश, विशाल के साथ भी थोड़े झगड़े हुए, शिवानी के साथ भी थोड़े झगड़े हुए, शिवानी के साथ कुछ अच्छी बॉन्डिंग भी रही है। हाँ कुछ टाइम के लिए जब वो सुधरने की कोशिश कर रही थी तब थोड़ी देर बॉन्डिंग रही, बट कहते ना लोग आदत से मजबूर होते हैं, तो उनकी भी कुछ आदतें हैं जो जो नहीं मुझे सूट करी। मैं ऑडियंस को यही मैसेज देना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आपने टॉप थ्री तक पहुँचाया। मेरी कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है, उसके बावजूद अगर मुझे इस शो में टॉप थ्री तक मैं पहुँचा हूँ तो उसका सारा श्रेय ऑडियंस को ही जाता है। सो टॉप थ्री तक मुझे शो में रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी यही है कि ये मेरा कोर एम्बिशन नहीं है रियलिटी टीवी शो जीतना। मेरी जो कोर एम्बिशंस हैं वो दुनिया जानती है, वो फिल्म मेकिंग में है, एक्टिंग में है, और अब 42 डेज के बाद मैं बाहर निकल रहा हूँ तो उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पे मेरे लिए चैलेंजेस होंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट सना मकबूल फॉर योर ट्रॉफी। बहुत फर्क है। फर्स्ट ऑफ ऑल 24/7 या लाइव स्ट्रीमिंग होती है बिग बॉस OTT सीजन में, तो तुम्हें बहुत बड़ा फर्क दिखाएगा यार। स्क्रिप्टेड तो है ही नहीं है, पूरा अनस्क्रिप्टेड है। सिचुएशंस आपको बिन बुलाए आ जाएंगे आपके पास, सिचुएशंस टास्क। मैंने ट्रॉफी के बारे में कभी सोचा नहीं, मैंने इस बारे में सोचा कि यार जर्नी कैसे रहेगी यार, मेरा सफ़र कैसे रहेगा घर के अंदर, मैंने इस बारे में सोचा। और मेरा सफ़र, मेरी जर्नी, जो दोस्त मैंने कमाए, ये मेरे लिए बहुत यादगार है और शायद वो सबसे बढ़कर है। सो वही, आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट सना मकबूल जीत गई है। जो उसकी जीत थी कि मैं जीतूंगी, चाहे मैं सेल्फिश बोलो, चाहे मुझे कुछ भी बोलो, मुझे ट्रॉफी चाहिए, और वो ट्रॉफी जीत गई, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। सो मेरा बिग बॉस में बहुत ही मिक्स एक्सपीरियंस रहा है, बहुत सारी चीज़ें फील करी है, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो लड़ाई हो, चाहे वो गेम खेलना हो, मतलब कि ओवरऑल बोले तो उस घर में जब आप जाते हो ना तो आपको पता नहीं चलता, आफ्टर फ्यू वीक्स आपको पता नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका कोई कनेक्शन नहीं होता बाहर की दुनिया से, फ़ोन नहीं होते। तो मतलब कि एक बिग बॉस एक ऐसा एपिसोड है जहाँ पर आपकी रियलिटी दिखती है, आप जो रियल में हो ना वो आप पब्लिक को दिखता है। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फर्क है नॉर्मल लाइफ और बिग बॉस की लाइफ में। आप इस एक ऐसे घर के अंदर हो जिसके साथ आपके साथ 16 और 17 और कंटेस्टेंट हैं, और ऐसा होता है कि आपको किसी से बात नहीं करनी, आपका बॉन्ड किसी के साथ नहीं बैठ रहा और किसी के साथ आपकी वाइब मैच नहीं कर रही, स्टिल आपको उस घर में रहना है। और कभी कभी बिग बॉस आपको ऐसा टास्क देते हैं कि आपको उसके साथ परफॉर्म करना है ना चाहते हुए भी, तो बहुत फर्क है। किसी के साथ आपका बातचीत नहीं होती, किसी से बाहरी दुनिया से आपको नहीं पता क्या चल रहा है। अगर आप जैसे मैं हूँ, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, किसी के माँ बाप क्या कर रहे हैं किसी को कुछ आइडिया नहीं है, तो भाई बहुत ज़्यादा फर्क है। वहाँ पे एक छोटी सी जाली है जिससे हम लोग अंदाज़ा लगाते थे कि सुबह हो रही है या शाम हो रही है या रात हो रही है, तो उस जाली से लगता था अंदाज़ा। आपके फ्रेंड्स के लिए क्या मैसेज है? जी तो भाई, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैं टॉप 5 में थी, तो जितने भी लोग थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा, थैंक यू सो मच। और आप लोगों की वजह से हम बिग बॉस OTT सीजन 3 में आई हूँ। ऐसा ही प्यार देते रहो, आगे आपको बहुत सारी चीज़ें, हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आ रहे हैं, तो आपको मिलेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर योर लव।